तब आपको दिखाते हैं कि जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में क्या कुछ रणनीति कांग्रेस तैयार करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में कांग्रेस अपनी नई टीम के साथ धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। पूरे राज्य में प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता चुनाव को देख पार्टी नेताओं से संपर्क साधने और बैठक करने निकल पड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव अब तक 6 जिलों का दौरा कर चुके हैं, तो कार्यकारी अध्यक्ष भी अपने प्रभार वाले जिलों में है। इधर आसन विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 18 तारीख को 81 विधानसभा के प्रभारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। रूप से प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आसन्न हैं और विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है कि इस विधानसभा में पार्टी की मजबूती किस प्रकार से है, पार्टी का जनाधार किस प्रकार से है, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से काम हुए, आगे विधानसभा चुनाव की जो हमारी तैयारी है उस पर सम्यक विचार उपरांत कोई बड़ा निर्णय जरूर होगा कि आगे किस प्रकार से हम पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए चुनाव में हम जाएं। इसके साथ ही कांग्रेस अब एक नई रणनीति के तहत बीजेपी के 65 पार के लक्ष्य को रोकने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस की नजर पिछले विधानसभा में बीजेपी को मिले 37 सीट पर है। इसके साथ जेवीएम से बीजेपी में गए 6 विधायक और आजसू के 4 सीट पर कांग्रेस सेंधमारी करने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि इन 47 सीट पर कई जगह बीजेपी की हालत खराब है और पार्टी ऐसी सीट पर मजबूत दावेदारों को उतार बीजेपी को हराने का काम करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि पार्टी इन सीट पर जाकर जनता को बताएगी कि बीजेपी के वादों की हकीकत क्या है। सुस्ती तो थोड़ा सा जब रिजल्ट आए थे लोकसभा के तो उस दौरान थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल हम दुरुस्त के साथ जो है वो मैदान में आ गए हैं। 18 तारीख को हमारी बैठक होगी, बैठक में रणनीति बनेगी और उसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण रणनीति जो मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के 37 विधायक हैं सीटिंग, उन 37 विधायक को कैसे रोकना है ये रणनीति हमारी बन रही है। झारखंड कांग्रेस में चुनाव की सुबुगाहट दिखाई देने लगी है। पार्टी के जानकारों की माने तो जल्द बड़े नेता झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी का पहला टारगेट गठबंधन है जिस पर जल्द निर्णय लेकर कांग्रेस चुनाव की अभियान को गति देगी। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11, रांची।